इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया निवेदन करते हैं, आनव पाव मोहि नहीं सोझा को जिय कै रघुबर बिनु। मेरे प्रभु के बिना मेरे हृदय की पीड़ा को कौन समझ सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप भाग्यशाली हो यदि कोई आपकी पीड़ा को समझ जाए, नहीं तो चलो यार चल ही रहे ना। भरत जी ने यही निर्णय कर लिया। अब आप कहेंगे ये तो भरत जी ने अच्छा नहीं किया, राम जी जिस पथ पर गए पिताजी ने जो वचन दे दिया उसका भरत जी को पालन करना चाहिए। बहुत लोग सिद्धांत बनाते हैं। स्वार्थ के लिए भी लोग अपनी परिभाषा बना लेते हैं, ये कारण है। और परमार्थ के लिए लोग परिभाषा सदग्रंथों से निकाल लेते हैं। ठीक है, हमने जो बना लिया वो परिभाषा नहीं है, जो लिखा है वो परिभाषा है। गुरु जी ने क्या कहा, राय राजपद तुम कहूं दीना। आप में से कोई बतावे कि चक्रवर्ती जी महाराज ने भरत जी को राज दिया था क्या है? कोई बतावे? नहीं दिया ना? नहीं कोई बतावे? माता लोग भी बताओ, भरत जी को पिताजी ने राज दिया था क्या? आप लोग बताओ, बताइए, चक्रवर्ती जी महाराज ने भरत जी को राज दिया था क्या? नहीं दिया? नहीं दिया? तब गुरु जी कैसे कह रहे हैं राय राज पद तुम कहूं दीना दीना। देखिए चतुर आदमी के लिए कथा नहीं है, कथा निश्चल आदमी के लिए। क्या बाबा कहते हैं, ए जी मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपारी सधे कोकिल जी महाराज के लिए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी, भजत कृपा करी, कान खोल कर हम भी सुन ले आप भी सुन लीजिए। चक्रवर्ती जी ने भरत भैया को राज दिया ही नहीं, फिर गुरु जी कैसे कह दिए? गुरु जी तो सत्य क्यों बोलेंगे भैया, गुरु जी को का पड़ी है झूठ बोलने की? गुरु जी सत्य बोलेंगे, चेला प्रसन्न रहे कि नाराज रहे, गुरु को क्या लेना देना। सद्गुरु सत्य बोलेंगे, क्यों सुंदरकांड में कौन कहता है प्रिय बोलें भयास राज धर्म तन तीन के, भविष्ण कहते हैं ना, भविष्ण जी, अच्छा विभीषण जी कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो अप्रिय बोले भय राज। महाभारत में धर्म महाराज बलि के यहां तन देख लीजिए तीन कर हो बेगी
वैद्य को सही बोलना, नमक खाओगे मर जाओगे, नमक छोड़ो, मानिए। जहां वैद्य जी ने कहा नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, देर से मरना है जल्दी जाइए, नहीं। गुरु जी को सही बोलना, चेला नाराज हो कि प्रसन्न हो, जो बोलना उसके हित की बोलना। सचिव को कदापि दाएं बाएं तुम्मा फेरी नहीं करना, सीधा बोलना महाराज, ऐसा होगा तो खतरा बढ़ेगा। यही तो बात है, गुरु जी ने इसलिए कहा कि यहां आपद धर्म आ गया है। आपद काले मर्यादा नास्ति। जब राज सत्ता में, धर्म सत्ता में, आश्रम व्यवस्था में, परिवार व्यवस्था में, संस्था में आपद धर्म की स्थिति आ जाए तो तत्काल में जो उचित हो वही निर्णय लेना चाहिए। गुरु जी जानते हैं राम जी वन चले गए हैं तो किसी हालत में वापस आने वाले नहीं हैं, आना होता तो जाते ही नहीं। और मेरे राम जी क्यों चले गए, राम जी जानते हैं भरत जी आ गए, उनका तिलक हुआ तो राजाज्ञा भरत जी की लागू हो जाएगी, भरत जी जाने देने वाले नहीं। ऐसा कौन अभागा छोटा भाई है हो कि बड़े भाई को बन भेज देगा, जाने देगा क्या, अरे पैरे पकड़ के रोने लगेगा, भैया अरे भैया नहीं, भैया ऐसा ना करो, भैया अरे भैया हम भी चले जाते हैं, भैया कोई योग्य अनुज बड़े भाई को बन जाते देख सकता है क्या, नहीं। सावधान, देखिए ना गुरु जी ने कह दिया राम जी बन चले गए, सीता जी लक्ष्मण जी चले गए, एक वचन आप भी मानिए, वेद विदित सम्मत सब ही का जेहि पितु दे सो पावहि। कितनी बड़ी भूमिका, यहां एक बात का स्मरण रखिएगा, सरकार किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए जब 10-12 प्रकार की भूमिका लेनी पड़े वहां हम गलत होते हैं। जो गलत होता है वो भूमिका बहुत बनाता है, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा किया। लो अरे सीधा कौन, हम गलत थे यार, क्यों इतनी भूमिका बना रहे हो पृष्ठभूमि में, नहीं क्या पकड़ा भरत जी ने प्रभु वन में, या अयोध्या में बचा ही क्या है, बाद मोर सब बिन रघुराय, कोई अर्थ नहीं। भरत जी यहां तक कहते हैं मोहि राज हट दे हो जब ही रसा रसातल जाए, ये धरती रसातल में चली जाएगी, क्यों अयोध्या की राज सत्ता को धर्मशील शासक चाहिए। तो राजा कौन हो जिसमें धर्म हो, जिसमें सदाचार हो, जिसमें सात्विकता हो, राजस भाव के साथ सात्विकता हो, वो क्या। तब भरत जी ने निर्णय ले लिया, एक आंक इहई मन माही, क्या प्रातः चल हूँ प्रभु, यद्यपि मैं सब प्रकार से अपराधी हूँ, मेरे ही कारण अयोध्या जी में इतना उत्पात हुआ, तथापि जब हम शरण में सरकार के उपस्थित होंगे और प्रभु मेरे को देखेंगे, मेरे अपराध को क्षमा करेंगे,
मेरे पर कृपा करेंगे, क्यों? वो तो कृपा के समुद्र है। भरत जी का भरोसा है, भगवान हमको सन्मुख शरण में देखकर क्षमा करेंगे। देखिए, भगवान कभी किसी को सजा नहीं देते, भगवान जीव को सर्वकाल क्षमा करते। आप जरा सोचिए, हमारी आपकी जो करनी है, यदि उसका ठीक से भगवान निदान बनाने लगे तो कितनी सजा मिलेगी। हो अपने अपने कर्म का चिंतन करिए। आप लोग आज्ञा दीजिए, यद्यपि मैं सब प्रकार अपराधी हूं, तथापि शरण में आए देखकर भगवान अवश्य अयोध्या आने की कृपा करेंगे। अरे, भरत जी का विश्वास, प्रातः काल परमात्मा की शरण में चलना है, प्रभु के पास चलना है, ऐसा सुनकर चलन प्रात के भरत प्रिय मुनि बंदी भरत सिरुनाए चले की रघुवंश की जय जयकार कर रहे हैं। किस बात को स्मरण करके कि रघुवंश का ही ऐसा जीवन है जिसमें एक बड़े भाई के बन जाने पर छोटा भाई उनके लिए वन जा रहा है। आचार और विचार विहार हमारे जीवन का सीधा दर्शन कराते हैं। रघुकुल का दर्शन व्यक्ति की किस चरित्र से, अतो भरत भैया के चरित्र से। गुरु वाग्या सब प्रकार से मानकर भरत जी अयोध्या जी में भी रहते तो क्या होता? कुछ नहीं। परमात्मा की पादुका यही स्मरण करके संकल्पित कर लेते करते नहीं, फिर ये चरित्र ऐसा कैसे होता कि छोटे को बड़े के साथ कैसा रहना, कैसा जीना, यही ये चरित्र है। सारी रचना बना दी गई, पवित्र सेवकों को भरत जी ने अयोध्या के समाहार में लगा दिया और माताओं का गुरुदेव भगवान सबका दिव्य डोली और रथ बनाया गया। प्रातः काल चलने के साज सजाए गए, गुरुदेव भगवान अरुंधति माँ के साथ दिव्य अग्निहोत्र सामग्री के समन्वित भाव से संपन्न होकर रथारूढ़ हुए। माताओं की डोली बनी, सब लोग चलने की यात्रा में जिसको रोक दो उसको लगता है गर्दन पर तलवार भांज दी गई। कोई रहना नहीं चाहता। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।